स्टार्ट कर रही हूँ, ऐसे ही कुछ थी प्रॉब्लम। तो ये मेरी ना मॉर्निंग वाली चाय है, चाय नहीं ये ना, मैं नींबू की चाय है। सुबह मॉर्निंग में नींबू वाली चाय लेती हूँ मैं और भावना दोनों लोग, तो चाय पी लेती हूँ। अभी ना मैं ये भावना की ऑयलिंग कर दूँ, ऑयलिंग करने के बाद थोड़ी देर बीत जाएगा, फिर ये नहा लेगी क्योंकि इसे कॉलेज जाना है। अभी तो क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही हैं, बट टीचर्स ने बुलाया इसलिए ये जाएगी। और जब तक ये नहाएगी तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना लूँ। ये मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। और ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या ले लिया। ये मैंने प्याज चॉप कर लिया है, और ये मैंने हरी मिर्च ली है, शिमला मिर्च ली है, और ये मैंने लहसुन लिया है, और ये मैंने ना पत्ता गोभी ढेर सारा, ये मैंने क्या कहते हैं कद्दूकस कर लिया है। आप छोटे छोटे चॉप भी कर सकते हैं, बट मैंने कद्दूकस कर लिया है, थोड़ा जल्दी से हो गया फास्ट। ये मेरा ऑयल हो गया है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं प्याज मिर्च डाल देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ, और फिर मैंने ये गार्लिक लिया है क्रश करके, इसे मैं डाल देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें ये शिमला मिर्च डाल दूंगी। ये मैंने इसमें ना थोड़े से ये गरम मसाले डाल दूंगी, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा सा आ जाएगा। उसके बाद ना मैं इसमें 1 स्पून ये शेजवान डाल दूंगी, और ये मैं पत्ता गोभी डाल दूंगी। और अभी ना मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। मेरा हो गया है, अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। ये ना मैं डो तैयार कर लेती हूँ, जब तक मेरा ठंडा हो रहा है डो तैयार कर लेते हैं। आप इसमें नमक और ऑयल भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा सा बन जाता है, बट मैं ना अभी रात में बना रही हूँ तो मैं ऑयल ऑयल कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बस ऐसे ही सिंपल सा डो तैयार कर लेती हूँ। और ये हमारा डो रेडी हो गया है। डो हमें ना थोड़ा सा गीला ही डो तैयार कर लेना है, रोटी से गीला रहेगा क्योंकि इसमें भरना है ना तो फिलिंग अच्छे से भर जाती है, तो हमें इस तरह से डो तैयार कर लिया। चलिए पराठे बनाते हैं। ये मैंने तवा रख दिया है, अभी ना मैं पराठे बनाऊंगी। ये फिलिंग में अच्छे से भर लेंगे इसको। एंजल का ना ये डांस क्लास अभी तक तो ऑनलाइन चल रही थी, बट अब ऑफलाइन हो गई है, तो मैंने इसे डांस क्लास से छोड़ के और मैं यहीं पे इसका वेट करती रहती हूँ। जब तक ये डांस करती रहती है मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ, फिर इसे लेके ही जाती हूँ। Oh,
हैं। मैं दिखाती हूँ कि आज मेरे घर कौन आया है, और देखिएगा और आप लोग ने ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने आप लोगों से मिलाया तो है, देखिए कौन कौन बता पाता है। बुआ प्रणाम, पापा प्रणाम, पापा अंकल नमस्ते जी। तब से कई जने आए हुए, तुम सुनो अभी आप भाई के पास भी हैं। हाँ लग रहा है कि बुआ थकी थकी सी लग रहे हैं। हाँ दीदी ने सुबह 6 बजे निकली हैं और ये शाम को 6 बजे आई हैं, तो अभी मैं ये थोड़ा सा बात कर रही हूँ लोगों को पानी दे के, और फिर मैं कुछ बना देती हूँ क्योंकि दीदी ने बाहर का कुछ खाती नहीं है, तो अभी मैं चलूँ कुछ इन लोगों को बना दूँ और खिला पिला दूँ पहले। एंजल उठ जाओ, बुआ आई है, नमस्ते नहीं की। सो जाओ। उठो एंजल, अब उठने का टाइम हो गया, अब सोने का टाइम थोड़ा ना, शाम का टाइम है। बोलो हमसे कम एक खाते हैं। नमक अच्छा, नमक लगा खाने का। सब्जी पूरी खत्म करनी है, टूट जाएगी आलू तो। हो जाएगी खत्म, कुछ नहीं लिया। मैंने उधर का एसी चला देता है, थोड़ा लॉबी नॉर्मल ये ना। अब हम लोग डिनर कर रहे हैं और साथ में ही सब लोग करते हैं एक साथ ही, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। जो लोग मेरी वीडियो पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से करें, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग कल की वीडियो जरूर से देखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।